हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स प्लस टू फिजिक्स थर्ड यूनिट फिफ्थ चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख देते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी, आप जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक पोजीशन पे होते हो तो जो एनर्जी आप में होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये हमारे पास इस तरीके से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दिया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप सभी लोग समझते हो कि ये नॉर्थ से लेके किस डायरेक्शन में जाता है, साउथ डायरेक्शन में। इस डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मैंने एक डाइपोल रख दिया इस तरीके से, दिस इज ए डाइपोल, और ये डाइपोल का था नॉर्थ पोल, सॉरी ये था नॉर्थ पोल और ये था उसका साउथ पोल ये, और यहां से लेके यहां तक डाइपोल की लेंथ थी 2L। तो हम सभी जानते हैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा MB, इसके ऊपर एक फोर्स लगा MB, और उसके कारण ये डाइपोल रोटेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क कितना लगता है, MB साइन थीटा। अब इस डाइपोल को अगर हम वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएंगे तो हमें इस पे लगने वाले टॉर्क के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को यदि हम कैलकुलेट कर लें तो वर्क ही हमें हमारी क्या दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज कर लो किसी समय इस पे टॉर्क इतना लग रहा था और इस टॉर्क के कारण ये रोटेट कर जाता है, और जब ये रोटेट करेगा तो सपोज कर लो ये इस पोजिशन पे आ गया, ये इस तरीके से हो गया, और ये कितने एंगल से रोटेट किया, बी थीटा से। एक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा था, तो ये अगर डी थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा कब, जब ये कितने एंगल से रोटेट करता है, डी थीटा से, तो वो dW क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, टॉर्क इनटू में d थीटा। यहां पे टॉर्क आपका कितना है, तो आंसर आएगा mb sin थीटा इनटू में d थीटा। कंप्लीट वर्क निकालना है कि उस पोजीशन से उस पोजीशन तक जाना है, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कंप्लीट वर्क क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सपोज कर लो पहले ये थीटा वन एंगल बना रहा था फील्ड के साथ, फाइनल पोजीशन पे कितना बना रहा है, थीटा टू, तो वैल्यू डाल दो थीटा वन से लेके थीटा टू एम बी साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे एम बी को हम बाहर निकाल देंगे। एम बी को जब हम बाहर निकाल लेंगे तो यह आ गया थीटा वन से थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा, लिमिट लगे थीटा वन से थीटा टू, तो आपके पास वर्क डन आ गया, माइनस को बाहर निकाल लो, एम बी कोस थीटा वन से थीटा टू, और इस वर्क को हम लिखेंगे माइनस एम बी, एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार रख दो लोअर लिमिट। वापिस समझ लो, जब डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तो उस पे लग रहा था टॉर्क, ठीक है, और अगर हम टॉर्क के कारण वो फील्ड की डायरेक्शन में घूमना चाह रहा था, अगर मैं उसको वापस लेके जाता हूं, अगर मैं उसको स्मॉल एंगल से रोटेट करता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क, स्मॉल एंगल था तो वर्क स्मॉल था, कंप्लीट वर्क निकालना है तो इंटीग्रेशन कर लिया और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये जो वर्क था, ये वर्क ही किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया, उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आ गया। यहां से मैं कुछ केस डिस्कस करता हूं, देखो वो क्या केस होंगे और कैसे उन केसेस से हम न्यूमेरिकल में हेल्प लेंगे।
मेरे पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आया उसका फॉर्मूला ये आ गया कि यू बराबर है माइनस एम बी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। सपोज इफ थीटा टू बराबर है थीटा और थीटा वन बराबर है 90 डिग्री, मतलब शुरुआत में ये डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था और हम ऐसे लोकेशन तक लेके आए जहां ये एक पर्टिकुलर एंगल थीटा बनाता था, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो होता है, यू कितना हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा, ये उसमें पोटेंशियल एनर्जी इस केस में स्टोर होगी। अच्छा, इफ थीटा बराबर है 0 डिग्री तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, आंसर कितना आ गया माइनस एम बी। ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और अब डाइपोल जिस पोजीशन में रहेगा इस पोजीशन को हम नाम देंगे, वी कॉल इट एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस पोजीशन को जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो उस पोजीशन को हम नाम देते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा अब यहां से दूसरा केस हम करते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो कोस 90 कितना होता है 0 डिग्री, तो ये आंसर आ गया 0। ये जो पोजीशन आ गई तो ये 0 पोटेंशियल एनर्जी की पोटेंशियल पोजीशन आ गई। और तीसरा केस क्या था, थीटा हम कितना ले लें 180 डिग्री तो कोस 180 कितना होता है माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये कैसी पोटेंशियल एनर्जी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये जो पोजीशन है ये कैसी पोजीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। चीजों को समझ लो, एक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख रखा था तो उस पे क्या लग रहा था, टॉर्क, और हमने और वो घूमने की कोशिश करेगा, वो डाइपोल ऐसा था वो ऐसा होना चाहेगा, तो अगर मैं उसको वापस उसी पोजीशन पे लेके आता हूं तो मुझे इस टॉर्क के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ेगा, और वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो वो हमने किया हुआ था, स्मॉल वर्क निकालते हैं टॉर्क इनटू में डी थीटा से, ये फॉर्मूला आ गया, फिर हमने कुछ जनरल केस किए। अब हमारे पास न्यूमेरिकल जो पेपर में आता है वो इस तरीके से आता है कि यदि डाइपोल को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाएं तो वर्क डन निकालो। देखो मैंने क्या बोला है, स्टेबल इक्विलिब्रियम से किस में लेके जाना है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आई एम टेकिंग इट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा वन कितना लेना है आपने, तो स्टेबल में थीटा कितना था आपका 0 डिग्री, और थीटा टू कितना लेना अनस्टेबल, अनस्टेबल में आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 180। तो यहां पे जब आप लिखोगे cos 180 और माइनस cos ऑफ 0 माइनस एम बी cos 180 माइनस 1 और ये होता है 1, तो माइनस वन आपका आ गया माइनस 2, बाहर ये था आंसर आ गया 2 MB। जब आप स्टेबल से अनस्टेबल में जाओगे तो इतनी आपको अलग से आपको वर्क करना पड़ेगा, 2 MB। देख लो इसको, ये जो पोजीशन आई थी जब हमारा थीटा 0 था तो माइनस एम बी थी, ये स्टेबल हो गई, और जब हमने थीटा 180 लिया तो माइनस माइनस प्लस, ये हमारा अनस्टेबल हो गया। स्टेबल से, स्टेबल का मतलब इनिशियल पोजीशन 0 पे, अनस्टेबल का मतलब 180 पे, तो इसकी जगह हमने 0 लिया 1, इसकी जगह माइनस 1 लिया, माइनस 1 माइनस 2 ये आ गया। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई अनस्टेबल से स्टेबल में लेके आना है तो अब क्या पूछ लिया जाए, अनस्टेबल से किस में लेके आना है स्टेबल, तो अनस्टेबल का मतलब थीटा 1 कितना लेना है 180, और स्टेबल का मतलब थीटा 2 कितना लेना है 0, तो ये क्या बन गया माइनस एम बी कोस 180 माइनस कोस 0, सॉरी थीटा 2 आपका था 0 और ये था कोस 180, तो माइनस एम बी कोस 0 1 और माइनस कोस 180 माइनस 1, आगे माइनस है प्लस 1, तो आंसर आ गया 2 MB नेगेटिव में, ये आपने ध्यान रखना है। तो
इस तरीके से हम एक डाइपोल को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, हम बता देंगे कब वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, कब वो मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी, कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, कब अनस्टेबल होगी, स्टेबल से अनस्टेबल में जाएंगे तो वर्क कितना होगा, अनस्टेबल से स्टेबल में जाएंगे तो वर्क कितना होगा। थैंक यू।